हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। तो एल्कोहल जो है उनके भौतिक गुणधर्म हुए रंगहीन द्रव होते हैं, प्रारंभिक सदस्य जल में विलेय होते हैं, परंतु कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ विलेयता घटती है। स्वापक प्रकृति के होते हैं, मेथेनॉल यानी CH3OH अंधापन उत्पन्न करता है, एथेनॉल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदमित करता है। तृतीय एल्कोहल सम्मोहक प्रकृति के होते हैं, इनका स्वापक प्रभाव क्या होता है, ज्यादा होता है। 3 डिग्री एल्कोहलों के रंगहीन द्रव हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं प्रारंभिक सदस्य, लेकिन कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ विलेयता घटती है। स्वापक प्रकृति के होते हैं यानी व्यक्ति नींद में है इस तरीके से लगता है। एथेनॉल और मेथेनॉल, मेथेनॉल अंधापन उत्पन्न करता है और एथेनॉल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, एल्कोहलों का सारे ही एल्कोहल जो हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संदमित करते हैं। तृतीय के एल्कोहल जो हैं वो सम्मोहक प्रकृति के होते हैं, इनका स्वापक प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद है विलेयता, अब विलेय पानी के अंदर विलेयता की बात करते हैं तो एल्कोहलों के प्रारंभिक सदस्य जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है, जल में पूर्णतया विलेय होते हैं। क्योंकि ये जल अणुओं के साथ अंतरआणविक हाइड्रोजन बंध निर्मित करते हैं, जल अणुओं के साथ अंतरणविक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। जैसे ये ROH है, ये जल अणु है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन और ये नेगेटिव रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरीके से। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से ये अंतरणविक हाइड्रोजन बंधु का निर्माण कर लेते हैं। एक जल का अणु, एक एल्कोहल का अणु आपस में अंतरणविक हाइड्रोजन बंधु का निर्माण कर लेते हैं, इसके कारण ये जल में विलेय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ हाइड्रोकार्बन सिरा या जलविरागी सिरा बढ़ता है
और हाइड्रोकार्बन सिरा या जलविरागी सिरा जल प्रतिकर्षी होता है और जल के साथ वो अंतरणविक हाइड्रोजन बंध निर्मित नहीं करता है, इसलिए विलेयता घटती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ जल विरागी सिरा बढ़ता है और विलेयता घटती है, परंतु शाखाएं बढ़ने के साथ विलेयता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। जैसे यह है अपने पास तो शाखाएं बढ़ने के साथ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, तो ये जलाणुओं के साथ कम प्रतिकर्षण करेगा, ज़्यादा प्रतिकर्षण करेगा, वो जगह कम घेरेगा तो प्रतिकर्षण कम होगा, तो शाखाएं बढ़ने के साथ विलेयता बढ़ती है। तो अंतरणविक हाइड्रोजन आबंध बना लेने के कारण एल्कोहल जल के अंदर क्या होते हैं? विलेय। लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ विलेयता घटती है। उसके बाद है क्वथनांक। और एल्कोहलों के क्वथनांक एल्किल हेलाइडों ईथरों से उच्च होते हैं, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों एल्किल हेलाइडों और ईथरों से उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहलों के अंदर अंतरणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं जिनको तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा ज़्यादा चाहिएगी तो क्वथनांक भी क्या होगा? ज़्यादा। तो एल्कोहलों के क्वथनांक समतुल्य यानी बराबर द्रव्यमान वाले आणविक द्रव्यमान वाले आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों ईथरों एवं एल्किल हैलाइडों से एल्किल हेलाइडों से उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहलों में अंतरणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, क्योंकि एल्कोहलों में अंतरणविक यानी दो अणुओं के बीच में अंतरणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, अंतरणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। वो हाइड्रोजन बंध देखो किस प्रकार के होते हैं, ये एल्कोहल का एक अणु, इसकी ऑक्सीजन दूसरे अणु की हाइड्रोजन, ये एल्कोहल का दूसरा अणु, ये एल्कोहल का तीसरा अणु, इस तरीके से कंटिन्यू होता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी ऋणावेशित आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन और दूसरे अणु के आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन के बीच में जो बंध हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन बंध, ये वाले, और इनको डॉटेड रेखा से अपन दर्शाते हैं। ये चूंकि दो अणुओं के बीच में है इसलिए ये अंतरणविक हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। तो अंतरणविक हाइड्रोजन बंध एल्कोहलों में पाए जाते हैं, एल्किल हैलाइडों ईथरों या हाइड्रोकार्बनों में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी इन बंधों को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो क्वथनांक उच्च होंगे। लेकिन कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ते हैं,
क्वथनांक बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि वांडरवाल्स बलों की संख्या में, क्योंकि वांडरवाल्स बलों की संख्या बढ़ती है। वांडरवाल्स वो दुर्बलतम आकर्षण बल है जो परमाणुओं के मध्य पाए जाते हैं। तो परमाणुओं को, एक अणु के परमाणु को दूसरे अणु के परमाणु के साथ आकर्षित करने वाले दुर्बलतम आकर्षण बल जो है वो क्या कहलाते हैं? जैसे ये ROH है एक अणु, ये ROH है दूसरा अणु, तो इसके जो परमाणु हैं वो इसके परमाणुओं को क्या करेंगे? आकर्षित करें करके रखेंगे, वो दुर्बलतम आकर्षण बल वांडरवाल्स बल कहलाते हैं। और जितने ज़्यादा परमाणु होंगे वांडरवाल्स बलों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ वांडरवाल्स बलों की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए क्वथनांक बढ़ते हैं। लेकिन शाखाएँ बढ़ने के साथ क्वथनांकों में क्या आती है? कमी आती है। तो अगला हो जाएगा समावयवी एल्कोहलों में, समावयवी एल्कोहलों में शाखाएं बढ़ने के साथ क्वथनांक घटते हैं, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है और वांडरवाल्स बलों में कमी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक हो गया CH3CH2CH2CH2OH, इसको कहते हैं 1-butanol। एक हो गया अपने पास आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ये नॉर्मल ब्यूटिल या आइसोब्यूटिल एक ले लेते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल। तो इसके अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे ज्यादा है, इसमें एक शाखा हो गई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कम हो गया, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका लगभग गोल आकृति ग्रहण कर लिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका और कम हो गया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के साथ वांडरवाल्स बलों की संख्या में कमी आती है और क्वथनांक क्या होते हैं? घटते हैं। ये हो जाएगा क्वथनांकों का घटता क्रम। मैं वांडरवाल्स बलों को यूं समझा सकता हूं कि भारतीय क्रिकेट टीम में जो 11 सदस्य हैं या क्रिकेट टीम में जो 11 सदस्य हैं उनको यदि एक सीधी रेखा में अपन खड़ा करें तो 11 सदस्य 22 सदस्यों से हाथ मिला सकते हैं, एक इधर और एक उधर। लेकिन 11 वो 22 से मिला सकते हैं, लेकिन 11 सदस्य जब एक गोल घेरे के अंदर, जैसे कोई विपरीत टीम का सदस्य कोई आउट होता है तो एक गोल घेरा बना के टीम के खिलाड़ी एकत्रित होते हैं, तो उसमें वो एक गोल घेरे के अंदर क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। लंबी लाइन में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है और गोल घेरे में पृष्ठीय क्षेत्रफल उनका, उनके द्वारा घेरी गई जगह क्या हो जाएगी? कम। अब उनके साथ जो अब गोल घेरे के अंदर खड़े हुए होंगे तो 22 व्यक्ति उनसे हाथ नहीं मिला पाएंगे या मुश्किल से मिला पाएंगे, और जबकि सीधी रेखा में आसानी से मिला पाएंगे। इसलिए वांडरवाल्स बलों की संख्या, क्योंकि दो दो वांडरवाल्स बल मान सकते हो, सबके दो दो हाथ हैं, 11 एक खिलाड़ी 2 से मिला सकता है, 11 खिलाड़ी 22 से मिला सकते हैं, दोनों के वांडरवाल्स बल फ्री रहेंगे। लेकिन जब गोल आकृति में खड़े होंगे तो वांडरवाल्स बलों की संख्या में कमी आएगी क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। तो यह हो जाएगा क्वथनांकों का घटता क्रम। सबसे ज़्यादा क्वथनांक होंगे इसके, फिर होंगे इसके, और सबसे कम क्वथनांक होंगे तृतीयक एल्कोहलों। तो ये था
एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म, क्वथनांक, विलेयता, महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंदर है क्वथनांक। तो क्वथनांक जो है वो एल्किल हैलाइडों, ईथरों, हाइड्रोकार्बनों से ऊंच होते हैं हाइड्रोजन बंधु के कारण। क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ते हैं और समावयवी एल्कोहलों में शाखाएं बढ़ने के साथ क्वथनांक घटते हैं क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है और पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने के साथ वंडरवाल्स बलों की संख्या में भी कमी आ जाती है।